सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल द मेंटा में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम आए हुए हैं आपके 22 जुलाई के आपके शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में। तो हम बात करने वाले हैं आपसे, तो आपका नाम बताइए। नवनीत। नवनीत हमसे बात करने वाले हैं और बताएंगे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे ईजी आपको क्या लगा। केमिस्ट्री सबसे ईजी थी और मैथ में लेंदी क्वेश्चन थे और फिजिक्स भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, फिजिक्स सिंपल थी, केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। केमिस्ट्री इनको इजी लगी, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स में? लमसम बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा, आप कुछ बताना चाहते हो बच्चों को? ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप जो एक और आई करना है तो केमिस्ट्री पे पूरा फोकस करना हो जाए, उस पर पेपर ऐसा दाइए अगर अच्छे से पढ़ कर जाए तो पूरे 100% नंबर भी ला सकता है। और बस यही होता है। जस्ट अ सेकेंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइए, व्हाट इज़ योर नेम? अदनान अहमद। ओके, सो आप ये बताइए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे इजी क्या लगा? मैम सबसे इजी केमिस्ट्री लगा मैम, क्योंकि केमिस्ट्री में टोटल हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट एनसीईआरटी आया हुआ था और मैथ में उतना था नहीं, क्योंकि मैथ में एनसीईआरटी से कम था और हालांकि क्वेश्चन उसमें लेंदी दिए थे ज़्यादा। ओके, तो हमारे जितने भी चैनल पे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, तो आप कुछ उनको टिप्स देना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं? कहते हैं कि केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री फुल एनसीईआरटी से आता है और मैथ्स का अप्रॉक्स आप लगाइए जेई क्वेश्चन और कुछ नहीं, क्योंकि मैथ्स के सिर्फ जेई वाले कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सो व्हाट इज़ योर नेम? प्रियांशी। प्रियांशी, ओके, माय नेम इज आल्सो प्रियांशी, सो इट्स अ जस्ट कोइंसिडेंस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको सबसे ईजी आपको क्या लगा? फिजिक्स। फिजिक्स, तो आप कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स? बहुत सारे बच्चे हमें चैनल पे यहाँ पे देखते हैं, तो आप कुछ उनको टिप्स देना चाहते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड समथिंग? कि फॉर्मूले सारे रिवाइज रखने हैं, फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स में भी फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मतलब क्लियर होनी चाहिए, मतलब बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको जेई एडवांस तक, आई होप आप क्रैक कर पाओ। एंड जितनी भी आपको काउंसलिंग की रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द मेंटा पे आप जाके देख सकते हैं, जितने भी आपके कॉलेजेस की डिटेल्स हैं, कट ऑफ, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें आप द मेंटा पे बिल्कुल आप जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे उस चैनल को देखते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम सुधीर सिंह मैम। सुधीर सिंह, आज हमें बताएंगे कि आपका एग्जाम कैसा गया, थोड़ा सा आप हमें टिप्स शेयर कीजिए, आप भी आ जाइए। व्हाट इज़ योर नेम बेटा? प्रेरणा भाटिया। प्रेरणा और सुधीर हमें आज बताएंगे आपका एग्जाम कैसा, आप लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा पेपर गया, राइट? सो कुछ हमारे बच्चों को बताइए, बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं, सो कुछ आप बताइए पहले। इट वॉज ओके, नॉट मच टफ, नॉट मच ईजी, इट वॉज ओके, पेपर वॉज मीडियम। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे हैं, तो आप कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो आप कुछ टिप्स उनको बताइए, ताकि वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्वेल्थ में, जो बच्चे हैं, जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद के बच्चे हैं, उनको आज के एग्ज़ाम को देने के बाद आपको कैसा लग रहा है और वो कैसी अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, प्लीज़ बताइए थोड़ा सा। मैम थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आइए आइए। कैलकुलेशंस एंड मैम केमिस्ट्री के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स जो थे हम लोगों के, वो अन्नू, पूजा यादव। अनु और पूजा भी हमारे साथ आ चुकी हैं यहाँ पे, और सभी बच्चे यहाँ पे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद। आई होप आप सबका जेई मेंस का बहुत अच्छा हुआ और आप जेई एडवांस तक आप पहुँच पाएंगे। तो कोई बहुत अच्छे से कुछ रिव्यू यहाँ पे देना चाहे हमारे बच्चे को? या मैम, मैथ्स के लिए पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ, वरना आप मैथ्स का पेपर छूट जाएगा, और आप केमिस्ट्री फिजिक्स पहले अटैम्प्ट करें, अदरवाइज और केमिस्ट्री फिजिक्स विद इन 90 मिनट्स आप अटैम्प्ट कर लें, अदरवाइज आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे। तो ये आप अगर फॉलो करेंगे देन आप बहुत अच्छा करेंगे अपकमिंग अटेम्प्ट्स में। और आप कुछ अनु? मतलब मैथ में आपको मतलब पहले सब्जेक्टिव वाला करना चाहिए, ताकि आप सब्जेक्टिव में आपको सॉल्विंग करनी होती है ना, और उसमें ऑप्शंस भी नहीं होते, बाकी सब में ऑप्शंस होते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है उन सबसे, और वो आपको प्रॉपर सॉल्व करना होता है, इसलिए आपको पहले सब्जेक्टिव करना चाहिए। सो हमारे चारों स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एग्ज़ाम दिया और थोड़ा सा बताया, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इनकी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो भी ये टिप्स दे रहे हैं यहाँ पे आज एग्जाम्स में, जितने भी 11th के बच्चे हैं वो अभी से फॉलो करना शुरू कर दें इन सारी टिप्स को। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, कि आई होप आप जेई एडवांस में भी अपीयर हो, एंड देन हम फिर से आपको रिव्यू करने आए यहाँ पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, एंड द मेंटा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड जितनी भी काउंसलिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग कॉलेजेस, कट ऑफ्स, एवरी थिंग विल बी हेयर, एंड आप ई बुक ज़रूर डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक है, इसमें चैनल पर आज जाके तुरंत देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट इज़ योर नेम? प्रतिष्ठा पाल। प्रतीक्षा भी हमें आज थोड़ा सा कुछ बताने वाली एग्ज़ाम के बारे में, प्लीज़ बताइए। मैम पहले तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसमें 4
ऑप्शन दिए होते हैं पर उसमें माइनस मार्किंग होती है, तो थोड़ा समझ के आंसर देना पड़ता है। फिर ऑब्जेक्टिव नहीं होते तो सब्जेक्टिव होता है, तो फिर उसको पहले सॉल्व करके अगर आप श्योर हैं तो आप उसी में टिक लगाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं लगाना। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है कि हमारे एग्ज़ाम में जितनी भी बच्चों तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हमें एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे हमें रिव्यू बता रहे हैं, तो इन सभी बातों को सुनते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल द मेंटा को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द मेंटा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो चैनल के थ्रू रिगार्डिंग एनी काउंसलिंग डिटेल्स। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आज का, जितने भी बच्चों ने आज का शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो आई होप सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत जो टिप्स दिया है उसमें आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। तो जितनी भी हेल्प उनके थ्रू आपकी हो सकती है, तो आप प्लीज़ वो अपनी जो टिप्स है उसको आप समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए, नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम्स के लिए उसी अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमें ऐसे ही लाइक करते रहिए, और आपके बहुत सारे प्यार से हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते रहेंगे। बाकी हमारी सेकेंड ई बुक रेडी हो चुकी है एंड आज नहीं तो कल आपको वो ई बुक मिल जाएगी, तो फटाफट उसको डाउनलोड करते रहिएगा एकदम से। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।